मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया है, जिसके बाद विपक्ष की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने चर्चा की शुरुआत की। रमन सिंह ने कहा है कि कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो पिछले बजट में भी रखे गए थे, कई प्रावधान जो पिछले बजट में थे उनको फिर से जोड़ दिया गया है। ऐसे प्रावधानों का जोड़ 3,361 करोड़ होता है। उन्होंने कहा कि धान का बोनस, कर्ज माफी, चना वितरण, नमक वितरण जैसे प्रावधान बजट में शामिल नहीं किए गए हैं। रमन सिंह ने कहा है कि आने वाले समय में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति होने वाली है, ये समझना काफी मुश्किल है। उन्होंने कहा कि बजट देखने के बाद लगता है कि विकास रुक जाएगा और प्रदेश 15 साल पीछे चला जाएगा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र फायरिंग मामले में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने रोक दिया। प्रियंका गांधी को रोके जाने की छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कड़ी निंदा की है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि भाजपा सरकार घमंड में चूर होकर ऐसा कर रही है और सरकार ने बौखलाहट में एक कदम उठाया है। भाजपा की सरकारें अब बौखला गई हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, और बौखलाहट में इस तरीके का कदम उन्होंने उठाया है। प्रियंका गांधी जी की गिरफ्तारी से पूरे देश में आक्रोश है, नाराजगी है भाजपा सरकार। खबर रायपुर से है, जहां डेंटल क्लिनिक के एक डॉक्टर पर एक महिला मरीज ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक डॉक्टर ने पहले उसे बेहोश किया और उसके बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। महिला ने इसकी शिकायत महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग से की थी, लेकिन दुष्कर्म की बात नहीं बताई थी। वहीं अब 4 साल बाद थाने में शिकायत करने पर डॉक्टर पर केस दर्ज हुआ है। मैं उसने कई मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग और डायरेक्टर हेल्थ को शिकायत की थी, जहां जांच हुई थी, परंतु उस समय उन्होंने कोई इस तरह का कोई रिपोर्ट या उसके साथ दुर्व्यवहार। वाड्रफ नगर पुलिस चौकी अंतर्गत एक गांजा तस्कर पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। मामला ग्राम पंचायत परसीडीहा निवासी युवक अपने घर से 3 किलो गांजा के साथ घर से खपाने के लिए निकला था, तभी पुलिस ने घेराबंदी करके उक्त व्यक्ति को वाड्रफ नगर बस स्टैंड पर गांजे के साथ धर दबोचा। युवक अपने पास अलग अलग प्लास्टिक में कुल 3 किलो गांजा रखा था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। बस स्टैंड के पास वाडप नगर घेराबंदी कर पकड़ा गया और आरोपी के पास से तकरीबन 3 किलो गांजा जब्त कर। और अब खबर कांगेर से है, जहां पुलिस ने 35 लाख का गांजा बरामद किया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस अफसरों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी है। तस्करों का ट्रक रोकने के लिए टीआई बीच सड़क पर जिप्सी से खड़े थे और इसी बीच आपको बता दें ट्रक की छत पर चढ़ गए, लेकिन पैर फिसलने से नीचे नाली में जा गिरे। बैकअप टीम के पहुंचते तक दोनों तस्करों को भागने नहीं दिया गया। जांच में 35 लाख का गांजा ट्रक से बरामद हुआ है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्करों ने ट्रक में गुप्त चैम्बर बना रखा था जिसमें गांजा रखा गया। अंधविश्वास में लोग आज भी अपनों की जिंदगी से खेलने से नहीं चूक रहे। एक तरफ शासन प्रशासन झोलाछाप डॉक्टरों को भगाने में जुटे हैं, तो वहीं सरकारी डॉक्टरों की अनदेखी लोगों को अविश्वास और अंधविश्वास की शरण पर जाने के लिए मजबूर कर रही है। ऐसा एक मामला कसडोल का है, जहां इलाज के नाम पर एक सास ने बहू को एक पाखंडी बाबा के हाथों सौंप दिया। बाबा इलाज के नाम पर बहू से मारपीट करता रहा, लेकिन सास को बिल्कुल भी दया नहीं आई। मतलब भैया की मरवाई थी, अच्छा मार काटने से दूध निकले ऐसे रेस्टोर से, तो फिर तरफ सांकड़ सुना। बिलासपुर के मरवाही वन परिक्षेत्र में मेडुका गांव में आज दो भालुओं ने एक ग्रामीण के ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने घायल युवक को किसी तरह इलाज के लिए सैनिटोरियम के एमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं भालू लगभग 1 घंटे तक गांव के आसपास मौजूद रहे, जिसके बाद ग्रामीणों और वन विभाग के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद भालू को जंगल से खदेड़ा। कितने भालू रहे भैया? 3 भालू हैं। कैसे कैसे हमला हो गया? ये बाड़ी में काम कर रहा था सपना राय नाम का, 3 भालू ने आया बाड़ी साइड से,
चारों साइड से गांव वाले ने घेरे उसको, पहले भालू को भगाने के लिए यानी कि वो कर रहे थे, तो एक भालू आके हमला किया तो दूसरा भालू आके झपट गया, तो ये जान बचाने के लिए पूरा गांव वाले फिर इकट्ठा हुए, तो भालू छोड़ा तो इसको तुरंत अपने साधन से अपन लोग सेंटर में ले गया। घर के सामने वो निकला है आपने, भालू ने दबोच लिया है उसको, सिर में पंजे से मारा है, उसमें 21 टांके लगे। अभी क्या हालत है? आज शिविर साधक जी के लिए भालू जो है तो जंगल से मिर्गुआ गांव की ओर गया और जिसके सूचना मिली तो कमला कूड़ा वहाँ पहुंचा और भालू को रोक दिया। एक पुली है कुरवार जो सत्यनारायण नाम का है, उसके बाड़ी में था वो, शायद फाटक खोल के बाहर शौच के लिए जा रहा था, उसी समय उसके ऊपर हमला किया। खबर रायगढ़ से है जहाँ के घरगोड़ा SDO ने छापामार कार्रवाई करते हुए 1.5 लाख का अवैध चिरान जब्त किया है। लंबे समय से करसिया के एक हारमोनियम और फर्नीचर दुकान में लकड़ी तस्कर का खेल चल रहा था। एसडीओ के नेतृत्व में करसिया वन में अमले ने छापामार कार्रवाई की और करीब 1.5 लाख से ज्यादा का अवैध चिरान जब्त किया है। सागौन का चिरान जिसका लगभग बाजार मूल्य 1.5 लाख रुपए करीबन होगा और लकड़ी पकड़ के हम लोग डिपो लाके अभी कार्रवाई जारी है। गरियाबंद के कुंडेल भाटा संग्रहण केंद्र से 2.5 लाख क्विंटल धान का उठाव करवाना जिला प्रशासन के लिए गले की फांस बन गया है। राइस मिलर धान उठाव में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं और बारिश के कारण धान लगातार खराब हो रहा है। हालांकि जिला प्रशासन धान के सभी स्टॉक को कैप कवर से ढककर बारिश से बचाने की कोशिश करने का दावा कर रहा है, मगर फिर भी बारिश के कारण धान खराब होना शुरू हो गया। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक उच्च अधिकारियों को वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया गया है। धान का उठाव नहीं किया जा रहा है, कुछ समस्या आ रही है और फिलहाल अभी तक तो 1.5 लाख क्विंटल धान का उठाव हो चुका है और 2.5 लाख क्विंटल धान शेष। रायगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत सिखीचुआ में राशन कार्ड हितग्राहियों को 4 महीने से चावल और 21 महीने से केरोसिन नहीं मिला है। इस पर गांव वालों ने परेशान होकर सैकड़ों की संख्या में SDM कार्यालय पहुंचकर सरपंच के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं SDM ने बात को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच की बात भी कही है। पहले जो राशन सामग्री प्राप्त नहीं हुई है उसे पहले दिलाया जाए, हमने ज्ञापन दिया है और सही तथ्य की क्या जानकारी है, सही बात क्या है, हम इसकी विधिवत जांच करवाएंगे और जो व्यक्ति दोषी होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कवर्धा जिले में एकमात्र PG कॉलेज को PG की मान्यता मिले 15 साल से अधिक हो चुका है, लेकिन आज भी यहां स्टाफ की स्थिति पूर्व की ही भांति है। यहां PG कॉलेज की तरह एक एक सब्जेक्ट के लिए कम से कम एक प्राध्यापक और 3 सहायक प्राध्यापक का होना अनिवार्य है, लेकिन कवर्धा PG कॉलेज में आज भी गिनती के ही प्राध्यापक हैं। वहीं सहायक प्राध्यापकों के स्वीकृत पदों में आधे से ज्यादा पद रिक्त हैं, ऐसे में छात्रों को उच्च शिक्षा लेने के लिए जिले से बाहर जाना पड़ रहा है। संपन्न वर्ग के लोग तो बाहर जाकर पढ़ाई कर पा रहे हैं, लेकिन गरीब वर्ग के छात्र पढ़ाई को अधूरी छोड़ने के लिए मजबूर हैं। इस बात की जानकारी हर वर्ष उच्च शिक्षा विभाग को दी जाती है, लेकिन आज तक कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की गई। वहीं हर बार की तरह कॉलेज प्रबंधन मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों और मंत्रियों को अवगत कराने की बात कहते हुए अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ लेते हैं। व्यापक रूप से होता है, संविधान में तो पढ़ाई पूरा होती है, कोई कमी नहीं है, परीक्षाएं समय पर होती है, सब होती है, लेकिन रेगुलर प्राइवेट में थोड़ा अंतर तो है, थोड़ा सा अंतर है, अभी ज्यादा अंतर तो नहीं। और अब खबर गरियाबंद से है जहां भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आपको बता दें जिसमें यहां की कन्या हाई स्कूल के लिए 2006 में 22 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे, लेकिन इन 13 सालों में भी स्कूल का भवन कंप्लीट नहीं हो पाया। ठेकेदार ने अधिकारियों के साथ मिलकर निर्माण कार्य में जमकर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है और सिर्फ ईंटों से ढांचा मात्र खड़ा करके पूरी राशि डकार गए, जिसका खामियाजा यहां पढ़ने वाले बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। गरियाबंद के अमली पदर कन्या हाई स्कूल के लिए 2006 में 22 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे,
13 साल में स्कूल का उन्नयन होकर हायर सेकेंडरी स्कूल बन गया, मगर इन 13 सालों में स्कूल का भवन कंप्लीट नहीं हो पाया। ठेकेदार ने अधिकारियों के साथ मिलकर निर्माण कार्य में जमकर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। ठेकेदार ने जो भवन का निर्माण किया है उसमें न दरवाजे हैं, न खिड़कियां हैं और न ही शौचालय और न ही प्लास्टर, मतलब ईंटों का ढांचा मात्र खड़ा करके पूरी राशि डगा दी गई। इसका खामियाजा यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, ना करना पड़ रहा है। जैसे कि हमारे कक्षाओं में प्लस्तर ठीक ढंग से नहीं होने के कारण वहाँ दरारें आई हैं और फ्लोरिंग भी नहीं हुआ है और बाथरूम की भी सुविधा हो रही है, बाथरूम भी ठीक ढंग का नहीं बना है यहाँ पर और कक्षा में फैन भी नहीं लगा है, तो यहाँ बहुत दिक्कत जा रही है हमें। शासकीय स्तर पर उस समय ठेकेदार के द्वारा श्री लखन साहू मैनपुर के द्वारा बनाया गया था, वो बताया कि 22 लाख का स्वीकृत हुआ है और आज तक ये भवन हमारा अधूरा है। इसके बावजूद स्कूल में बच्चे अध्यापन कार्य करने के लिए मजबूर है। पूर्ववर्ती जो बीजेपी की सरकार है वो पूरी तरह से द्रेय की राजनीति दे लेने के होड़ से चलते और बुरे काम को भी अनदेखी करके अपनी सरकार को उपलब्धि झूठी। आज हम लोगों ने प्रभारी मंत्री और जिले प्रभारी मंत्री और शिक्षा मंत्री से पूरी तरह अवगत कराया है और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा और भवन को पूरी तरह से पूर्ण किया जाए। कोरबा की रिश्ती में मुक्तिधाम की जमीन पर कब्जा को लेकर बवाल मचा हुआ है। बस्ती के लोग इस निर्माण का एक सुर में विरोध करने लगे हैं। नाप जोक में भी ग्रामीणों के आरोप सही पाए गए हैं। दरअसल 2.5 एकड़ जमीन मुक्तिधाम के लिए आवंटित हुई थी, उसके कुछ वर्ष बाद यहाँ पर विवेकानंद इंस्टीट्यूट के नाम पर कब्जा प्रारंभ हो गया। विवेकानंद स्कूल का बोर्ड लगाकर मुक्तिधाम की जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। कामा कब्जा करा थे मन काका जमीन है, काका जमीन है। अब हम मुक्ति धाम सरकार ने दी वो जमीन पहली के तो अभी कहा होते माँ अभी बिना पूछे पाछे अब स्कूल बन है कि कुछ मकान बन है कि का बन है गाँव वाला पता नहीं। हम लोग शिकायत किए थे कि हम लोग कलेक्टर में किए थे, हमारे मुक्ति धाम में अवैध कब्जा हो रहा था और तहसीलदार से बात किए थे। अब हम लोग को अब हम तो अभी आए हैं लेकिन बहुत पहले से यहाँ मुक्ति धाम यहाँ पे माटी वाटी दे रहे हैं। हम ऐसी लोग शिकायत किए हैं पहले कि जो लोग मुक्ति धाम जहाँ पर रखे हुए हैं ना वहाँ स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट द्वारा नगर पालिका निगम कोरबा है ना, इसे स्पष्ट तो क्लियर नहीं हो रहा है बट वहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है ना। ग्रामवासियों की जानकारी में भी ये नहीं है कि ये लोग तो मतलब उसके लिए प्रस्तावित कराए हैं क्या है कैसा है कब जगह दी क्या है, हमारे डॉक्यूमेंट्स में भी वो कुछ नहीं है ना। तो गाँव वाले लोग आपत्ति लगाए हुए हैं इसलिए तो उसके आधार पर हम लोग यहाँ जाँच भी आए हुए हैं तो यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है और जो भी सामग्री है उसका जब्ती बन। महासमुंद में भाजपा लगातार महानदी से रेत के अवैध उत्खनन को लेकर शासन प्रशासन को घेर रही है। अब भाजपा ने एक बार फिर से जिला प्रशासन पर रेत माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर धड़ल्ले से अवैध उत्खनन करने का आरोप लगाया है। बता दें महासमुंद से होकर गुजरने वाली महानदी और शिवनाथ नदी का रेत पूरे प्रदेश में सप्लाई किया जाता है। जिले में खनिज विभाग ने 36 रेत खदानों को अधिकृत रूप से घोषित किया है लेकिन हाल ही में जिले में 2 रेत खदान मुड़ियाडीह और पसीद ही चालू है जिसे अभी बरसात के कारण जिला प्रशासन ने बंद करने की अनुमति दी है। लेकिन भाजपा नेताओं का आरोप है कि रात के अंधेरे में इन दोनों खदानों से रेत माफिया धड़ल्ले से रेत की चोरी कर रहे हैं और रोजाना सैकड़ों ट्रक रेत निकाली जा रही है जबकि पूरे मामले में प्रशासन हाथ पर हाथ रखे हुए बैठा है। रेत की छत्तीसगढ़ में बंद हो जानी चाहिए। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 15 जून के बाद कोई भी रेत खदान नहीं चलने चाहिए जिसकी कॉपी भी यहाँ खनिज अधिकारी को दी गई। रेत के प्रकरणों में इस बार बाकी वर्षों की अपेक्षा दुगनी लगभग कार्रवाई हुई है और अवैध उत्खनन और परिवहन मिला के 1 जनवरी से अभी तक की स्थिति में लगभग 10 लाख रुपए तक की वसूली हो चुकी है। आज की डेट में कोई भी रेत खदान चालू नहीं है।
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रेत उत्खनन पर रोक लगाने के बाद अभी भी रेत माफिया रोजाना नदी का सीना छलनी कर रहे हैं और कई रेत घाटों में अवैध रेत उत्खनन का कार्य लगातार जारी है। कटघोरा के कसरेगा रेत घाट से रोजाना रात को सैकड़ों ट्रैक्टर अवैध रेत उत्खनन कर बाहर ले जाया जा रहा है। अब खनिज विभाग कोई कार्रवाई करता भी नहीं दिख रहा, ये तो आने वाले समय में ही बताएगा कि क्या कुछ कार्रवाई यहाँ की जाएगी। जगदीश यादव बोले रहे थे रात में गाड़ी लगाना, रात में गाड़ी लगाना और कितने खर्चा पानी पीना देता है? ₹1000 खर्चा पानी लेता है। अच्छा, सुबह पर ट्रिप था? पर ट्रिप तो रात के ट्रिप निकालता था, तीन चार निकल जाते। और कितने ट्रैक्टर लग रहे थे? तीन तो हां, और कब को बहुत ज्यादा गजब थे। हां लग जाते हैं। एक ट्रैक्टर लेके आए हैं रेती भरता था, कौन काला पैसा देता तुम्हें? रेती अभी लागे बेल लगे तो कवर देता पैसा। जगदीश बोले क्या बोलते हैं कि रात रात में गाड़ी लगाना है, जितना गाड़ी लग जाए सुबह उतना के पैसा। अरे एक बार किसान फिर से उठाईगिरी का शिकार हो गया। ग्राम बोडरा के रहने वाला किसान आरंग के जिला सहकारी बैंक से 3 लाख रुपए निकालकर एक किराना दुकान में पैसा चुकाने आया था, जहां पहले से ताक लगाए चोर ने पहले तो उसे पैसा नीचे गिर गया और बोला, जैसे ही किसान नीचे झुका चोर थैले में रहे 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। अब किराने दुकान में पहुंची, होकर बाद वहाँ 1.5 लाख रुपये जमा करें, ज्यादा टाइम चला 1.5 लाख रुपये बची बैंको से उन्होंने तीन बंदर तीन सोना हम पड़े हुए जारी करो और चेक से भुगतान करो, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा अमाउंट लेके जाती है और यहाँ बाहर जैसे आज मतलब हुआ था तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने जनता को राहत देने का एक बड़ा वादा पूरा किया है। ये वादा है बिजली बिल हाफ का। बढ़ती हुई महंगाई में बढ़ी हुई बिजली की कीमत ने आम उपभोक्ताओं का जीना मुहाल कर दिया था, लेकिन अब प्रति यूनिट बिजली बिल आधा होने से जनता में खुशी की लहर है। भूपेश सरकार ने जो कहा सो किया। 1 अप्रैल 2019 से अब प्रदेशवासियों को सस्ते दरों पर बिजली प्राप्त हो रही है, क्योंकि सरकार ने छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ कर दिया है। कांग्रेस ने चुनाव से पहले प्रदेशवासियों से वादा किया था कि सत्ता में आए तो बिजली बिल हाफ कर देंगे। सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 महीने के भीतर इस वादे को पूरा कर दिया। उन्होंने मार्च में बजट सत्र में इसका क्रियान्वयन शुरू कर दिया। 1 अप्रैल से बिजली बिल को हाफ कर दिया गया। अब प्रदेश में 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ हो गया है। पहले लोगों को प्रति यूनिट ₹5.30 देने पड़ते थे, लेकिन अब ₹2.75 प्रति यूनिट दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ 1 मार्च 2019 से क्रियान्वयन प्रारंभ। 1 अप्रैल से मिलने लगा है जनता को लाभ। 400 यूनिट बिजली खपत पर ₹2.75 दिए, इससे पहले ₹5.30 देने पड़ते थे। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 950 करोड़ का सौगात हर वर्ष। जब छत्तीसगढ़ की जमीन है, छत्तीसगढ़ का कोयला है, छत्तीसगढ़ का पानी है, बिजली क्यों महंगा मिल रहा है? और उनके निर्देश पर छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं को, घरेलू उपभोक्ता हो चाहे शहर के रहने वाले हो चाहे गांव के रहने वाले हो, सबको आधी दर पे बिजली मिलेगी 1 मार्च से लागू। और 1 अप्रैल को जब आपका बिजली बिल आएगा तो आपके बिजली बिल आधा होगा। ये काम हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। आम आदमी की पीड़ा को समझते हुए बिजली बिल को हाफ करने का फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया था और सरकार बनने के बाद ही बिजली बिल हाफ कर दिया गया। अब लोग राहत की सांस ले रहे हैं, तो जो उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है इससे। 400 यूनिट तक के घरेलू उपभोक्ता को काफी फायदा हुआ है। वहीं सरकार की ओर से वादा पूरा किए जाने के बाद आम जनता बेहद खुश है। कल तक उन्हें जहां 500 से 1000 रुपए बिजली बिल चुकाने पड़ते थे, अब वे 250 से 500 रुपए तक चुका रहे हैं। सरकार ने बिजली बिल हाफ करके हमें बड़ी राहत दी है। सरकार को वादा पूरा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
सरकार द्वारा बिजली बिल हाफ करने से मेरे परिवार को बहुत लाभ हुआ है। पहले करीब 1000 या 1200 रुपए बिल आता था और आज करीब 500 कभी 400 रुपए बिल आ रहा है। इससे हम जैसे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। बिजली बिल हाफ करने का फायदा तो ये हुआ है कि पहले जो घर का बिल करीब करीब 1500-2000 के आसपास आता था, वो घट के अब 750-1000 के आसपास बिल आ रहा है। इससे बहुत मध्यम वर्ग, मेरे जैसे मध्यम वर्ग परिवार के लिए तो बहुत बड़ी राहत की बात है निश्चित रूप से। वास्तव में छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादक राज्यों में अग्रणी राज्य है। यह राज्य बिजली में सरप्लस राज्य है। बावजूद इसके अभी तक इस राज्य के लोगों को बिजली ही महंगे दरों पर मिलती थी, लेकिन भूपेश सरकार ने जनता की इस तकलीफ को न सिर्फ समझा बल्कि उसे तत्काल अपने वादे को पूरा करते हुए दूर भी कर दिया। आज जनता के घरों में बिजली की रोशनी भी है, आधे बिल के साथ चेहरे पर खुशी भी। वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा रेस्क्यू बेबी। मुंगेली में लोरमी मुख्य मार्ग पर ग्राम पंचायत कंथेली स्थित सरकार द्वारा संचालित शराब दुकान को अनियंत्रित स्थापित किए जाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा। बता दें मुख्य मार्ग पर शराब दुकान होने की वजह से आवागमन तो बाधित होता ही है, साथ ही शराबियों द्वारा महिलाओं और स्कूली छात्रों पर अभद्र टिप्पणी की जाती है। यही वजह है कि आक्रोशित लोगों ने बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर शराब दुकान को हटाने की मांग की है। वहीं ग्रामीणों ने मांग पूरी नहीं होने पर चक्काजाम की चेतावनी भी दी। इस पूरे मामले पर कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर परीक्षण कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। 45 से पहले शराब भट्टी रखा गया है और वो भी मेन रोड में है, जिससे परेशानी हमारी माताओं बहनों को उस राह पर चलने में इतना दिक्कत शर्म महसूस होती है। कोई तो कोई गाली बकते हैं तो कोई उन लोगों को हाथ इशारा दे करके कोई बोलते हैं। हमारे स्कूली बच्चे जो हैं वहाँ पर स्कार्फ बांध करके ही वहाँ से पार हो सकता है। 12 से कंचेली के दारू भट्टी हटाए बर हमन यहाँ आए हैं कलेक्टर साहब से। कहाँ परेशानी होती है? बताए हैं कि लड़का मन स्कूल आए जाए में परेशानी होते, गाली गलौज करते, लेडीज मन नकत लिखन बहुत शर्मिंदगी महसूस करते। कंचेली के दारू भट्टी को हटाना है। क्या परेशानी हो रही है उससे? परेशानी बच्चों को हो रहा है, महिला लोगों को भी हो रहा है, यहाँ से हटना ही चाहिए बंद दुकान को शिफ्ट करने की मांग की गई है। तो मैंने आपके विभाग को बोला कि आवेदन का परीक्षण करेंगे और उसके लिए वहाँ पर क्या निर्देशन है उसको जानेंगे। जो नियमित प्रक्रिया है उसके तहत जो एक नवंबर महीने में एक समिति या फिर एक मीटिंग होता है जिसमें उसको जिसमें प्रकार का ऑपरेशन वो कर सकते हैं। कबीरपंत के सहयोग प्रकाश मुनि पर आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट करने का मामला सामने आया है, जिससे नाराज होकर अनुयायी ने दुर्ग सिटी कोतवाली थाने का घेराव किया और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग की है। उधर पुलिस ने शिकायत दर्ज भी कर ली है। टिप्पणी कर हम सभी समस्त कबीरपंत समाज को एक मधुमक्खी के ये पत्थर मारने का काम किया गया है। इससे हम समस्त कबीरपंत समाज के लोग काफी उद्वेलित हैं। हम चाहते हैं कि इसको विरुद्ध FIR हो और ज्यादा से ज्यादा उसके पे कठोरतम कार्रवाई हो। लेटर पे डाया है श्री सदगुरु कबीर धर्मदास साहब वंशावली, इनके द्वारा एक लिखित शिकायत दिया गया है कि कमलेश साहू और छत्तीसगढ़िया तरुण छत्तीसगढ़िया इनके द्वारा इनके धर्मगुरु के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी व्हाट्सएप में किया गया है। इस संबंध में इसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है, ऐसा इन्हें एक आवेदन लिखित आवेदन दिया गया है। उस लिखित आवेदन पर अध्ययन किया गया, जांच किया जाएगा और इस पर वैधानिक कार्रवाई। राजमगढ़ शासकीय प्राथमिक शाला का जर्जर भवन आपको बता दें बदहाल है। किसी बड़े हादसे से बचने के लिए शाला भवन के सामने ही किचन शेड और एक सामाजिक भवन में पढ़ाई संचालित की जा रही है। पहली से तीसरी तक के बच्चे किचन शेड के बने एक हॉल में पढ़ते हैं।
और चौथी से पांचवीं तक बच्चे सामुदायिक भवन में पढ़ते हैं। अलग अलग भवनों में अव्यवस्था के आलम में संचालित स्कूल महज शिक्षा के लिए एक औपचारिक साधन बना हुआ है। विडंबना है कि विगत 15 वर्षों से भाजपा के शासनकाल में राज्य मुख्यालय से सांसद और विधायक जैसे जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होते हुए प्रदेश का हृदय स्थल धार्मिक नगरी में शिक्षा का स्तर बदहाल है। कई बार जिम्मेदारों को अवगत कराए जाने के बाद भी मामला ठंडे बस्ते में है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए।